हेलो एवरी वन वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन बी ऑफ प्रैक्टिस पेपर सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन से और इससे पहले सेक्शन ए पूरा कवर हो चुका है पहले की वीडियोज में तो वो ज़रूर देखना तो लेट्स स्टार्ट विद द सेवंथ क्वेश्चन इट्स इज फाइंड द सेवन टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द ए पी सेवेंटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव एंड नाइन्टी थ्री तो यहाँ पे सेवंथ टर्म तो निकालनी है लेकिन कहाँ से निकालनी है एंड से निकालनी है तो आप क्या करोगे सबसे पहले ना इसको उल्टा करके लिख दो नाइन्टी थ्री डास्ट एस डेस्ट ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी वन एंड देन सेवेंटीन तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि गैप कितने का है डिफरेंस कितने का है ये गैप कितना हो गया हमारा इट इज़ ऑफ फोर सो यहाँ पे नाइन्टी थ्री से पहले कौन सा नंबर होना चाहिए इट मस्ट बी एटी नाइन तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे विल फाइंड डी फ्रॉम इट सो डी कैसे निकलेगा आपका एटी नाइन माइनस नाइन्टी थ्री विल गिव यू माइनस फोर कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा माइनस फोर एक्चुअली नेगेटिव हो जाता है अगर हम उल्टा कर देते हैं ना तो नेगेटिव हो जाता है सो यस ए इन दिस केस विल बी नाइन्टी थ्री एंड डी हो गया हमारा एन एन हमारा क्या होगा सेवन क्योंकि हमें क्या निकालना है ए सेवन ए सेवन की वैल्यू कैसे निकलेगी ए प्लस सेवन माइनस वन डी सो ए की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे नाइन्टी थ्री एंड सेवन माइनस वन एस सिक्स सिक्स इंटू डी डी एस माइनस फोर सो आपकी वैल्यू कितनी आ गई फाइनल 93 डी थ्री माइनस ट्वेंटी सो यस यू आंसर फॉर दिस वन विल बी दिस विल गिव यू 13 13 माइनस फोर विल गिव यू 9 एंड यस yes, 8 इट विल बी एंड 69 सो यस यू आंसर टू दिस इज 69 मतलब सेवेंथ टर्म हमारा एंड से कितना होगा 69 नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन

36 plus z it will be 36 plus 32 plus z 36 plus 32 plus z will give you 68 plus z 68 plus z will give you 74 plus z 74 plus z plus 10 will give you 84 plus z तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें कौन सा formula use करना है median का और हमारी median class क्या होगा यहाँ पे it will be 75 to 85 क्योंकि 82 किसके बीच में लाया कर रहे हैं सेवेंटी फाइव एंड एटी फाइव में एंड यस दिस इज़ वॉट माई फ्रीक्वेंसी इज़ एफ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ इज़ जेड इन दिस केस एंड सी एफ क्या हो जाएगा हमारा इस केस में इट विल बी थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स दिस इज़ माई सी एफ ठीक है सो यस एफ की वैल्यू पता चल गई हमें सी एफ की वैल्यू पता चल गई एन क्या होगा हमारा दिस विल बी द टोटल नंबर एटी फोर प्लस जेड अब वैल्यूज सारी सब्सिट्यूट कर लेते हैं पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं देन विल सब्सिट्यूट ऑल द वैल्यूज सो यस इट इज़ एन बाय टू माइनस सी एफ ओवर एफ इन टू एच की वैल्यू कितनी हो गई आपकी यहाँ पे इट इज़ एटी टू लोअर लिमिट कितना हो गया आपका सेवेंटी फाइव एन बाय टू एन बाय टू कितना हो जाएगा एटी फोर प्लस जेड डिवाइडेड बाय टू माइनस सी एफ सी एफ इज़ थर्टी सिक्स इन दिस केस एफ़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी इट इज़ जेड इन टू एच एच क्या हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट फोर्टी फाइव से लेकर फिफ्टी फाइव तक है इसका मतलब हाइट इस टेन सो नाओ येस वी हैव टू सॉल्व दिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड सो यहाँ पे तो आप देख सकते हो एक बार जेड यहाँ पे है एक बार जेड यहाँ पे है तो दोनों मतलब हमें वैल्यू फाइंड करनी है सॉल्व करके तो देखते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले तो 75 को लेफ्ट साइड ले जाओ सो so 82 टू माइनस सेवेंटी कितना हो जाएगा आपका इट विल गिव यू सेवन अब यहाँ पे ये यह हमारा टू है टू को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो यहाँ पे आप एल लो सबसे पहले तो तो ये हो जाएगा 84 84 एटी प्लस माइनस सेवनटी और टू की वैल्यू नीचे आ जाएगी इन मल्टीप्लीकेशन विद जैट

z को सबसे पहले लेफ्ट साइड ले जाते हैं एंड इट इज इन मल्टीप्लीकेशन विद सेवन देन ट्वेल्व इन फाइव कितना हो गया सिक्सटी देन फाइव सेट सो फाइव सेट को लेफ्ट साइड ले जाओ इट विल गिव यू टू जेड इज इक्वल टू सिक्सटी एंड जेड विल बी इक्वल टू थर्टी सो येस दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर एट दिस इज द मिसिंग फ्रीकुन्सी इन दिस केस इट इज थर्टी नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन नाइन्थ वन

मार्क फाइव इक्व पॉइंट्स फाइव पॉइंट्स आपने मार्क करने हैं और वो कैसे होने चाहिए दे मस्ट बी इक्व मतलब कि इसका डिस्टेंस इन दोनों का डिस्टेंस मस्ट बी सेम और सबका सो लेट इट बी ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड ए फाइव अब आपने क्या करना है इसको डिवाइड कैसे करना है इन द रेशियो ऑफ थ्री रेशियो टू तो आप ज्वाइन करोगे किससे यहाँ से यू हैव टू ड्रॉ ए थ्री सबसे पहले ए फाइव को बी से करेंगे यू कैन कनेक्ट इट ए फाइव टू ए बी देन जो भी आपका एंगल यहाँ पर क्रिएट होगा वही एंगल आपने क्या करना है ए थ्री से कनेक्ट करना है और जैसे ही आप ए थ्री से कनेक्ट करोगे इट विल बी द सेम एंगल इट मस्ट बी एक्चुअली सेम एंगल दिस वन ठीक है ए फाइव बी मस्ट बी इक्वल टू ए ए थ्री इस पॉइंट को हम ले लेते हैं पी सो दे मस्ट बी सेम और उसके बाद आपने क्या करना है आपने ए पी मेजर करना है एंड यू हैव टू मेजर पी बी और बस उसकी मेजरमेंट्स लिख देना साइड में सो यस दिस इज ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन नाउ मूविंग टू द टेंथ वन

दिस वन एज़ नाइनटी एस वेल सो अब हमें क्या सोचना है कि हम पी क्यू मेजरमेंट कैसे निकालें और पी आर की मेजरमेंट कैसे निकालें सो so, सबसे पहले वी कैन वर्क अपॉन पी ओ क्यू सो आपके पास क्या है यहाँ पे हाइपोटेनियस दिया हुआ है दैट इज थर्टीन का स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू फाइव का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर सो थर्टीन स्क्वायर इज इक्वल टू वन सिक्सटी नाइन वन सिक्सटी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर सो वन सिक्सटी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव विल गिव यू वन फोर्टी फोर पी क्यू स्क्वायर और पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी ट्वेल्थ सेंटीमीटर पी क्यू भी सेम होगा और पी आर भी एक्जैक्टली exactly सेम होगा बिकॉज दे हैव सेम मेजरमेंट और एक और थ्योरम होते, है होते हैं जिससे कि वी नो हमारे टेंजेंट्स इक्वल होते हैं सो येस इट इज़ ट्वेल्व सेंटीमीटर नाउ वॉट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ वन ऑफ द ट्राइंगल एंड उसको बस ट्वाइस कर देंगे सो so, area of triangle p q o is equivalent to half base into height base is 12 height is 5 two set 12 cancel kar do, 6 a 6 into 5 will give you 30 centimeter square and yes if you want to find the area of quadrilateral so just twice it 2 into 30 will give you 60 centimeter square so, yes, this is your answer for question number 10. Now, moving to the next one.